लॉकडाउन 3 के पांचवें दिन आज 8 मई को डीएम शैलेंद्र सिंह ने जिला मुख्यालय पर बनाए गए स्क्रीनिंग होम्स का भ्रमण कर जायजा लिया। उन्होंने एसडीएम सदर को निर्देशित किया कि प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, इसके लिए जिला मुख्यालय पर स्क्रीनिंग होम्स बढ़ाए जाएं। कल 9 मई को महाराष्ट्र के शिरडी से चलकर इस जिले के 1402 प्रवासी श्रमिक ट्रेन से सीतापुर पहुंच रहे हैं। इन श्रमिकों का परीक्षण व खाद्यान्न किट वितरण के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। जल्दी ही बनी बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन लखीमपुर पर ट्रेनों के चलने के बाद और ट्रेनों का आवागमन बढ़ता और चहल पहल बढ़ती। इससे पहले ही कोरोना ने यहां पर चल रही चंद ट्रेनों का भी आवागमन ठप कर दिया। फिलहाल रेलवे ने प्लेटफार्म पर आने वाले अंदर के मार्ग को बंद किया हुआ है। प्लेटफार्म पर पसरे सन्नाटे को यहां सफाई करने वाले सफाई कर्मी ही तोड़ते हैं। अरे आप यहाँ सफाई करते हैं? जी। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार वाल्मीकि। रेलवे स्टेशन पे ही आपका काम है? तो इस लॉकडाउन के दौरान भी आप डेली सफाई करते हैं स्टेशन? इस रेलवे स्टेशन और दोनों प्लेटफार्म पर सन्नाटा पसरा है और बाहर भी सन्नाटा है। हालांकि प्रशासन ने रेलवे स्टेशन को यहां पर पार्किंग के लिए चिन्हित किया है, लेकिन यहां पर कोई भी वाहन पार्क किया हुआ नहीं दिखाई पड़ा। ग्रीन जोन में आए जिलों में उत्तर प्रदेश रोडवेज द्वारा जिले के अंदर बसों का संचालन किया जा रहा है। बसों को सैनिटाइज कर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर तथा मास्क का पालन करने के साथ ही इन बसों में केवल 50% यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। कितनी देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं? मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े खड़े। कहाँ जाना चाह रहे हैं? गोला जाना चाह रहे हैं। अभी जो है हम लोगों की टाइमिंग जो बस की, हम लोगों ने समय सारणी जो अमरनाथ का टाइम है, और अभी हम लोग 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतने लोग खड़े हुए, आप लोग देख सकते हैं कितने बंदे खड़े हुए यहाँ पे, सब खड़े हुए हैं, कोई बस का नहीं है अभी। और वहाँ क्या इंक्वायरी ऑफिस में क्या बताया गया? इंक्वायरी ऑफिस में गए थे, बोले कि अभी आधे घंटे में बस आ रही है, 5:30 तक पहुँच जाएगी। तो हम लोग गए वहाँ पे, बताया गया 6 बजे, 7 बजे बाद टाइमिंग भी बंद है आने जाने का। इस पर जो है कायदे से, उस पर कायदे से जो भी इनके आला अधिकारी हैं उनको कायदे से जो है इन्फॉर्मेशन नोटिस जाना चाहिए कि ये देखे कि अगर यहाँ पर सवारी इंजॉय करेगी कब तक इंजॉय करेगी आके। क्या नाम है आपका? अब यहाँ पर सवारी से ज़्यादा खड़ी हैं, अब एक बस आएगी तो उसमें कितने 26 तो बिठाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? 26 सवारी बैठेंगी, यहाँ पर 35 लोग हो चुके हैं, तो हम लोग कौन सा जाएगा? एक बस आएगी, इसके अलावा कोई बस ही नहीं आएगी, कैसे होगा? आप डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करते हैं हम लोग, जॉब करते हैं यहाँ पर, डेली अप डाउन करते हैं, और जो है हमेशा से यही सुन रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल। निर्धारित अंतिम बस लेट हो चुकी है और 50% से अधिक यात्री हो चुके हैं। अब इस बस में कौन कौन सवारी करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या नाम है? आप यहाँ पर क्या हैं? इंक्वायरी बाबू हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो बस से संचालित की गई हैं जनपद में चलने के लिए, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, पूरा रोटेशन सर हमारे पास सुबह मॉर्निंग में गोला लखीमपुर पलिया 8:30 से चलकर आकर के 9 बजे आती है। गोला लखीमपुर मोहंदी 9 बजे आकर के 9:15 की छुट्टी। कहाँ के लिए? मोहंदी के लिए। गोला लखीमपुर मोहंदी 10 बजे आकर के 10:30 छुट्टी है। गोला मैगरगंज ममरी 10:30 आके 11 बजे छुट्टी है। 1864 गोला लखीमपुर गोला 11 बजे आकर के 11:30 छुट्टी है। गोला लखीमपुर मोहंदी 11:30 आके 12 बजे छुट्टी। गोला मोहंदी गोला 12 बजे आकर के 12:30 छुट्टी। कहाँ के लिए बताते रहिएगा? हाँ, गोला मोहंदी गोला 12 बजे आकर 12:30 जाएगी। गोला मोहंदी मैगर लखीमपुर मैगरगंज 12:30 आके 13:30 गई। गोला लखीमपुर गोला 13:30 आके 14 बजे गई है। गोला लखीमपुर मोहंदी 14:30 आके 15 बजे गई है। गोला लखीमपुर गोला 15:10 आके 15:30 गई है। गोला लखीमपुर गोला 16 बजे आकर के 16:30 गई है।
अच्छा ये बताइए, ये जो आप इसमें से देख के बता रहे हैं, इसका कोई चार्ट वगैरह लगा हुआ है? ये गोला डिपो में गाड़ियाँ निगम की, वहीं पर लगा हुआ है। ये गोला डिपो की बसें संचालित चलाई जा रही हैं? अच्छा अच्छा, और मतलब अभी बस कोई आने को बाकी, अभी यात्री खड़े हुए हैं? यहाँ भी लास्ट गाड़ी आ रही है हमारी, जो 5:30 की है। हाँ, वो आने वाली है। कहाँ जाएगी ये? गोला जाएगी। गोला जाएगी, लखीमपुर गोला। अच्छा। बसें लखीमपुर से जा रही हैं, लेकिन समय सारणी का चार्ट गोला में लगा है। प्रवासी श्रमिकों को लेकर गई एक बस का अब हाल भी सुनिए। 33 प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही है रोडवेज की बस, बहराइच मार्ग पर जालिम नगर के पास डीजल खत्म होने से रुक गई। ड्राइवर साहब डीजल लेने के लिए यहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर गोला अपने डिपो पर गए। 6 घंटे तक न लौटे तो श्रमिक और उनके परिजन भूख प्यास से बेहाल हो गए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपने धौरारा के कांग्रेसी पप्पू वर्मा, नरेंद्र पटेल व दिनेश निगम को इसकी सूचना दी, जिन्होंने वहां जाकर श्रमिकों तथा उनके परिजनों को पानी तथा खाना वितरित किया। चलते चलते में आज 36 लाख बनाम 12,000। जब कोरोना वायरस ने हमारे देश में कदम रखा तो पूरे देश को बचाना था। मेरे प्यारे देशवासियों, देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लखनऊ 36 लाख लोग और हम सिर्फ 12,000। चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमारी फोर्स सीना तान कर खड़ी थी। हमें तो बस करना था, हमने किया। हमारा संकल्प था कोई भी मरीज दर्द से ना घबराए और कोई गरीब भूखा ना सो जाए। आप घरों में सुरक्षित रहें, इसलिए हम फुटपाथों पर खाते हैं, सड़कों पर भी सो जाते हैं। अपने बच्चों को बस दूर से देखकर रह जाते हैं। दिन हो रात हो, चाहे कोरोना के हालात हो, हम यत्र हैं, सर्वत्र हैं, ढाल हैं, शस्त्र हैं, खाकी हम वस्त्र हैं, निष्ठा परस्त हैं, क्योंकि हम पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ हैं। सेवा, सत्य, समर्पण, साहस, शक्ति सिंह मानिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का चेहरा है राजधानी की लखनऊ पुलिस, और पुलिस अब बदल रही है, जो कि कोरोना में साफ दिखाई भी पड़ा। संजीव पाहवा, माई लखीमपुर खीरी.com।